नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 24 मोटरसाइकिल व एक सेंट्रो कार बरामद। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। अयोध्या पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 24 मोटरसाइकिल व एक सेंट्रो कार बरामद की। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि विगत वर्षों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। इसी क्रम में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 अभियुक्तों विकास दुबे पुत्र राजेंद्र प्रसाद दुबे, विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी विनोद कुमार पुत्र राम अभिलाख मिश्रा व शक्ति सिंह पुत्र बीचन सिंह को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई 24 मोटरसाइकिलें व एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई है। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। जनपद कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने एसपी सिटी और एएसपी के निर्देशन और क्लोज सुपरविजन में 71 सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोरों का गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अपराधी और 25 वाहन बरामद किए गए। उन 25 वाहनों में 24 टू व्हीलर है तथा एक फोर व्हीलर है सेंटो। इन चारों अपराधियों ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती और लखनऊ, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है, इन जनपदों से ये वाहन लिफ्ट किए हैं। साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम विनोद मिश्रा है, उसके जनपद बस्ती में गैंगस्टर के अभियोगी पंजीकृत है। इनके और लिंकेजेस हमको मिले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कई मोटरसाइकिलें हैं जिनकी नंबर प्लेट बदली गई हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो उन वाहनों को ट्रेस कराया जा रहा है। अभी तक 4 वाहन वैसे मिले हैं जो विभिन्न मुकदमों में जनपद में कनेक्ट हुए हैं। शेष वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ से चोरी किए गए हैं, और इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग प्रभावी कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराएंगे। इनका जो गैंग है, इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी।